चुनाव में चाणक के कहे जाने वाले प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में कूद गए हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का आगाज नीतीश कुमार की जेडीयू से किया है। इससे पहले प्रशांत किशोर बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। बिहार में जेडीयू की जीत के पीछे प्रशांत किशोर की अहम भूमिका मानी जाती रही है। उन्होंने चुनाव में युवाओं को जेडीयू से जोड़ने के लिए हाईटेक चुनावी कैंपेन चलाया और बूथ स्तर तक पार्टी के लिए प्रचार रणनीति बनाने पर काम किया था। नीतीश के साथ आने से पहले प्रशांत किशोर देश के कई राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनावी रणनीति पर काम कर चुके हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के पीछे प्रशांत किशोर के कैंपेन ने काफी अहम रोल निभाया था। चाय पर चर्चा, मोदी की 3D रैलियों जैसे आयोजन के पीछे प्रशांत किशोर का ही दिमाग था। एक दौर था जब उनकी मौजूदगी को किसी भी पार्टी के लिए जीत की गारंटी माना जाने लगा था। राजनीतिक गलियारे में प्रशांत किशोर पीके के नाम से मशहूर हैं। प्रशांत के जेडीयू में शामिल होने पर नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर भविष्य हैं। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया है। माना जा रहा है कि जेडीयू में नीतीश के बाद अब प्रशांत किशोर नंबर 2 की हैसियत पर होंगे और ये भी माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जल्द बिहार सरकार में भी शामिल हो सकते हैं। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनका अहम रोल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कीजिए भारत तक को। हमारे वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं